हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज भावनापुरी और दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नीट की क्लासेस जो क्रैश कोर्स हमारा है। तो जो लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगी उसको डेली आपको सुनना है, उसके जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जो लेक्चर वन है, जो हमारी आज की वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर वन, ठीक है। तो उसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे या उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि जनरली जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं आपके नीट में आने, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो आपका चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का, जो चैप्टर नंबर वन है वो कौन सा है, चैप्टर नंबर वन है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं नीट की क्लास के लिए उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक दो टॉपिक सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं डिटेल में ना बताकर आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि किस तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो जब आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला कैरेक्टर है ग्रोथ, उसके बाद आपने इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो पढ़ा था, फिर उसके बाद आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, देन मेटाबॉलिज्म एंड देन कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब जो क्वेश्चन इन पांचों में से आपसे पूछा जाएगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ग्रोथ वाले टॉपिक से पूछा जाता है, और वो क्या होता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ग्रोथ का, है ना। तो आपको बताना होगा पहला कि वो इरिवर्सिबल होता है, और दूसरा फीचर ये होता है कि इट इंक्लूड्स द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास, ठीक है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर ग्रोथ की पूछी जाती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा क्या, इट इंक्लूड्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ सेल्स एंड मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स हो गया या फिर इंक्रीज इन मास हो गया, ये फीचर्स आपको दोनों याद रखने हैं। एनसीईआरटी के ही ये दोनों फीचर्स हैं जो कि रिटन है, राइट। इसके अलावा एक एक्सेप्शन जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ग्रोथ की जो रिवर्स ग्रोथ दिखाई जाती है, हालांकि इरिवर्सिबल है लेकिन फिर भी जो रिवर्स ग्रोथ दिखाते हैं वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप स्नो माउंटेन कहते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो जो स्नो है वो क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी, है ना। तो जो स्नो माउंटेन है वो किस तरीके की ग्रोथ दिखाते हैं, रिवर्सिबल, है ना। वैसे जो ग्रोथ है वो दोनों तरीके की, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल है, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल है। इंटरनल में आप ह्यूमन की बात कर सकते हो, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं या मास इंक्रीज होता है, और एक्सटर्नल में हम ये जो स्नो माउंटेन था या जो रॉक होता है, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है, वो सब क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ है, ठीक है। इसके बाद अभी सेकंड चीज मैंने बताई थी रिप्रोडक्शन, है ना। तो क्वेश्चन ये होता है कि जो सेल डिवीजन है, जो सेल की डिवीजन है, वो माइटोसिस या मियोसिस की हम बात कर रहे हैं, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ सेल डिवीजन सेम होता है। तो आपको बताना है जितने भी यूनिसेल्यूलर यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके इक्वल है, मोड ऑफ सेल डिवीजन के, ठीक है, मोड ऑफ सेल डिवीजन के। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जाता है। इसी के साथ साथ अगर अगला क्वेश्चन मैं पूछूं तो पूछा जाएगा इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन एंड डिवीजन या सेल ग्रोथ, है ना, वो एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिव प्रोसेस होते हैं, मतलब बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस होंगे। तो देखिए, ये तो लोअर ऑर्गेनिजम्स थे यानी कि यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, तो इनके अंदर क्या हो रहा था, जिस समय सेल डिवाइड कर रहा था वो एक तरीके से रिप्रोडक्शन का मेथड है, कौन सा, बाइनरी फिशन। तो इनमें तो इक्वल हो गए दोनों मेथड, है ना। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, हम जैसे ऑर्गेनिजम्स है, हमारे अंदर बाइनरी फिशन से न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, राइट। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस है, मतलब रिप्रोडक्शन अलग होगा और सेल डिवीजन अलग होगी, ठीक है। तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस होगा ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सेल डिवीजन है और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्शन है वो बिल्कुल अलग प्रोसेस होते हैं, एक्सक्लूसिव, ठीक है। किसकी बात हो रही है, हायर ऑर्गेनिजम्स की। फिर उसके बाद जो थर्ड फीचर है यहाँ पर वो मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछेंगे कि इंटरनल रिएक्शंस हो रहे हैं या एक्सटर्नल हो रहे हैं, या फिर क्या जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। सो मेटाबॉलिज्म की डिफाइन मैं यहाँ पर सबसे पहले बता रही हूँ, बेसिकली द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके सम टोटल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस सिंपल से टॉपिक में से भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उसकी यहाँ पर बात कर रही हूँ, है ना।
कुछ एनसीईआरटी की लाइन है 11th स्टैंडर्ड का जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें आप पेज नंबर 5 पे देखोगे तो कुछ लाइंस यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसी के बेसिस पर जो अजर्शन और रीजनिंग है उसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जैसे कि एक लाइन इसके अंदर दी हुई है, नो लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो ये लाइन जो है वो स्पेसिफिक एक लाइन है, हो सकता है आपको अजर्शन और रीजनिंग के रिस्पेक्ट में ये एक लाइन लिख के दे दी जाए और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं। तो अभी मैंने एक लाइन बोली दैट नो लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, तो ये आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ एक लाइन यहाँ पर ये भी दी हुई है कि जो भी रिएक्शन हम बॉडी के बाहर करवाते हैं, लाइक वट एवर द रिएक्शन इज अकरिंग आउटसाइड द बॉडी, वो ना तो लिविंग होते हैं और ना ही नॉन लिविंग होते हैं। ये आपको याद रखना है, सबसे पहली चीज नो लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सेकंड द रिएक्शंस दैट अकर्स आउटसाइड द बॉडी आर नॉट रियल, मतलब रियल में ना तो वो लिविंग होंगे ना ही वो नॉन लिविंग होंगे, ठीक है। एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो इस टॉपिक से आपसे पूछी जाती है उसमें लिखा हुआ है कि जो इन विट्रो में यानी कि जो बॉडी के बाहर होने वाले रिएक्शन है वो इट इज श्योर इट इज कन्फर्म कि वो लिविंग थिंग्स तो नहीं है, बट हाँ वो क्या है, वो लिविंग रिएक्शन है। आपको याद रखना है, वैसे एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई, अभी मैंने बोला था दैट नो जो भी नो मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एग्जिबिट नहीं करते हैं मेटाबॉलिज्म को, तो यहाँ पर लिख रहे हैं नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करेगा, ठीक है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। दूसरी लाइन हमने क्या बोली थी कि जो आउटसाइड द बॉडी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो आउटसाइड द बॉडी रिएक्शंस हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, वो ना तो लिविंग होंगे और ना ही नॉन लिविंग होंगे, ठीक है, ना तो वो लिविंग है और ना ही वो नॉन लिविंग है। लेकिन इसी के साथ मैंने एक थर्ड लाइन भी आपको बताई है एनसीईआरटी की जिसमें लिखा हुआ है कि ऑल दोज रिएक्शंस दैट अकर इन विट्रो यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में रिएक्शंस हो रहे हैं वो लिविंग थिंग्स नहीं है बट श्योरली दीज आर लिविंग रिएक्शंस। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी मेटाबॉलिज्म के बारे में बिल्कुल सही लाइन है ना। चार ऑप्शंस देंगे, पूछेंगे विच आउट ऑफ दीज फोर इज या आप करेक्ट, ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करके बताना होगा कि भैया ये जो लाइंस मैंने बताई है ये बिल्कुल करेक्ट लाइन है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अभी जो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था इसमें से मैंने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए, लेकिन कई बार ये होता है कि एसेक्सुअल के जो टाइप्स आपको दे रखे हैं उन टाइप्स में से कोई भी एग्जांपल आपको पूछ लेंगे, लाइक हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसके अंदर होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसके अंदर होती है, तो आप उसमें एग्जांपल दे सकते हैं प्लेनेरिया का, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। फिर पूछ लेंगे बडिंग के एग्जांपल, आपको दो तीन एग्जांपल दे रखे होंगे, इनमें से कौन सा बडिंग का एग्जांपल है या फिर कौन सा बडिंग का एग्जांपल नहीं है, तो हाइड्रा यीस्ट एक कॉमन एग्जांपल्स होते हैं जो कि आपको याद करने हैं, ठीक है। इसी के साथ जैसे कि स्पायरोगायरा का एग्जांपल होता है, फ्रेगमेंटेशन में सबसे कॉमन एग्जांपल स्पायरोगायरा का ही आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए हमने जो इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे इन तीनों में से वो हमने पढ़े। अब जो फोर्थ फैक्टर है वो क्या हो सकता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि जो स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिजम्स की वो कौन से, मतलब सबसे छोटा लेवल कौन सा है जहां से वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये याद रखना जो स्टडी हो जाती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जब हम स्टडी करते हैं तो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरुआत करते हैं, कौन से, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपसे पूछा जा सकता है, चार ऑप्शंस दिए होंगे, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दिस सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद जो फिफ्थ होता है वो कॉन्शियसनेस है, फिफ्थ क्या है, कॉन्शियसनेस। अब देखो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के अंदर एक स्पेशलिटी है, एक मतलब खासियत है, वो ये है दैट ऑल ऑफ दीज आर अवेयर ऑफ देयर एनवायरमेंट, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरमेंट के लिए अवेयर होते हैं, है ना। तो इसमें अवेयरनेस जो शो हो रही है उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब इस कॉन्शियसनेस के अंदर दो आप फीचर्स पढ़ते हो, वो कौन कौन से फीचर्स हैं, अगर कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो आप देखोगे इसके अंदर यहाँ पर होता है स्टिमुलस और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। तो फिजिकल में तो सनलाइट हो गया या टच हो गया, केमिकल में कोई निकोटीन हो गया या कोई मस्टर्ड गैस या कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस हो गए और आपका एसिडिटी में आ सकते हैं। और बायोलॉजिकल में अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे एनिमल का डस्ट हो गया या फिर आप बोल सकते हो पॉलन ग्रेन्स हो गए। तो अपने एनवायरमेंट में जो भी स्टिमुलस है, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है ना, हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन दे सकते हैं, मतलब रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन
ये तो मैंने बोला अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्शियसनेस, ठीक है। लेकिन एक टर्म आपको सुनने को मिलेगी विच इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। कौन से टर्म है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैं आपको बता दूं कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है और इसका मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ। अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ होता ये है कि भैया एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें चल रही हैं या क्या क्या चीजें चल सकती हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके बारे में पता लगा सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे साथ क्या क्या हो सकता है उस चीज को पता लगाने की एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होती है, ठीक है। तो अभी हमने 5 फीचर्स यहाँ पर पढ़े, है ना, वैसे तो 6 हो गए क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो वन ऑफ दीज, ठीक है। लेकिन इन पांचों में से कलेक्टिवली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्या होता है, देखो कि क्या ग्रोथ को, सिर्फ ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि जो ग्रोथ है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिबिट कर रहे हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शो कर रहे हैं, है कि नहीं। कैसे? अभी मैंने स्नो माउंटेन बताया था भाई, वो तो रिवर्सिबल ग्रोथ शो कर रहा है ना, तो वो तो नॉन लिविंग है, तो फिर ये कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फीचर हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरी चीज रिप्रोडक्शन। अभी हमने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी तो है भाई। क्यों? म्यूल का एग्जांपल ले लो आप, जो म्यूल होता है क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। वो क्या है? वो स्टेराइल है ना। तो जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में कुछ इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन की गई है, बनाए गए, वो जनरली क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। या फिर ह्यूमन बींग्स की ही बात कर लीजिए, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, जिनके जो क्रोमोसोम के सीक्वेंसेज है वो नॉर्मल नहीं होते, वो भी स्टेराइल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ना तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को, ना ही सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक में नहीं डाल सकते। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको 4 या 5 ऑप्शंस दिए हैं, मान लो ये 5 ऑप्शंस आपको दे दिए और पूछेंगे कि इन 5 में से कौन से ऐसे फीचर्स हैं विच इज या विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब भी टर्म आता है ना ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तब आपको याद रखना है कि सिर्फ मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये ऐसे फीचर्स हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें से आपको क्या देंगे, 1, 2, 3, 4, मतलब इन 5 में से कोई एक फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कोई 2 है या कोई 3 है, है ना। तो बच्चों ने अगर इन तीनों को अटेम्प्ट किया 5 ऑप्शंस पे से तो वो करेक्ट हो जाएगा। 5 ऑप्शन से मेरा मतलब है मान लीजिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ दे दिया, ठीक है, बाकी इंडिविजुअल दे दिए, है ना, तो ये तीनों तो करेक्ट हो जाएंगे। बट अगर इसी के साथ या इसकी जगह पर आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस दे दिया जाए तो वो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने फिर अभी भी बताया था कि सेल्फ कॉन्शियसनेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस का फीचर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जिसकी चांसेस है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो रिएक्शंस चल रहे हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी जो स्टडी हम करते हैं, उनके इवोल्यूशन की जो स्टडी करते हैं, वो सब हम बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो एक लाइन एनसीईआरटी में से भी डायरेक्टली लिखी हुई आ जाती है और पूछते हैं कि वो सही है या गलत है। तो अगर हम उन लाइंस के बारे में बात करें तो जैसे बायोलॉजी के ऊपर एक लाइन आपकी बुक में गिवन है तो मैं आपको वो पढ़ के बता देती हूँ। जैसे कि आपको लिखा हुआ है एक लाइन कॉन्शियसनेस के नीचे वाले पैराग्राफ में ही है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बाय द वेरिंग डिग्री। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो या फ्यूचर की बात हो, ठीक है, वो सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्यों? क्योंकि मटेरियल कॉमन चीज है सभी के अंदर, हालांकि वो डिग्री वैरी कर सकती है कि किसी के अंदर क्या फीचर्स हैं और क्या नहीं, ठीक है, ये लाइन भी आपको याद रखनी है। अब इसी के साथ साथ अगर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी के बारे में, राइट। अब बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो ये है कि अभी जो हमने स्पीशीज को काउंट किया गया है वो इन टोटल कितनी स्पीशीज है, है ना। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ऑप्शन में 1.7 से 1.8 मिलियन दिया हुआ आप डायरेक्टली पहचान लोगे। लेकिन अगर इतनी आसान बात होती तो फिर सभी बच्चे क्लियर कर लेते ना, तो कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो ट्रिक वो लगाएंगे। वो क्या ट्रिक लगाते हैं? वो 17 to 18 lakh लिख देते हैं। तो क्या बात है, ये तो है, समझ तो सकते हो आप भाई, इतने तो आप चेंजेस कर सकते हैं अपने दिमाग में, इतने तो चीजें बता सकते हैं कि भाई टोटल जो बायोडायवर्सिटी है यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज
किसी भी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिलने वाली जो नंबर ऑफ स्पीशीज है, अगर एनसीईआरटी में वो आपको दे रखा है 1.7 से 1.8 मिलियन, तो उसको लाख में करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 टू 18 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, तो बच्चे ना बस मिलियन ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो आपको 17 से 18 मिलियन दे देंगे तो वो थोड़ी ना करेक्ट हो जाएगा, आप मिलियन को मत देखिए, आप वैल्यूज पे जाइए, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया जो कि आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जब बायोडायवर्सिटी के आगे हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जो नॉमेनक्लेचर है उसमें देखो बेसिकली नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, उसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से नेमिंग की जाती है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे और इस तरीके से दैट द ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में वो ऑर्गेनिज्म एक ही नाम से जाना जाए, है ना। लेकिन रिसेंटली अगर कोई साइंटिस्ट बना है, वो डिस्कवरी कर रहा है, उसको एक पेड़ मिल गया, कोई पौधा मिल गया, कह रहा है यार मैं तो उसका नाम मेंजिकर एंडिकर रखूंगा, लेकिन क्या वो पॉसिबल है कि उस नए प्लांट का नाम भी वो मेंजिकर एंडिकर दे? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जो मेंजिकर एंडिकर है वो ऑलरेडी मैंगो का साइंटिफिक नेम है, राइट। तो अब वो साइंटिस्ट को पता कैसे चलेगा, इतने सारे प्लांट्स है, अभी देखा इतनी ज्यादा स्पीशीज है, हर एक स्पीशीज का साइंटिफिक नेम तो ना मुझे पता है ना आपको पता है, तो किसी भी इंडिविजुअल को सारी चीजों के बारे में पता हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, राइट। तो उसको कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो डाटा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो उसके लिए हमें हमारे पास ना दो स्ट्रक्चर्स है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप ICZN है ना, तो वो बेसिकली ICZN या ICDN है, वो क्या है, वो कुछ ऐसे ऐसे आप बोल सकते हो कि डाटा एनालिसिस के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जहां पर सारा रिकॉर्ड होता है ना। अब इसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था वो क्या है, आपके एनसीईआरटी में उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखी हुई है, तो जब आप उस एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बात करोगे तो आप ये देखोगे कि उसमें ऑफ और फॉर का डिफरेंस है, मतलब और कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ ऑफ और फॉर का डिफरेंस है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, जैसे कि ICBN उसमें लिखा हुआ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और जो ICZN है उसमें लिखा हुआ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो सिर्फ ऑफ और फॉर के चक्कर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये कहीं बाहर से तो नहीं है, एनसीईआरटी का है, तो फिर हमें इसको याद करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जो ICBN है, BN बोटैनिकल गार्डन, उसमें फॉर लिखा है, ठीक है, ICBN इसमें क्या है, फॉर, और जो ICZN है उसमें क्या है, ऑफ। मैं पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बता रही हूँ, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि प्लांट से रिगार्डिंग जितनी भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आपको ICBN से मिलेगी, और ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है भाई। तो आपको ये याद रखना है। इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन अगला पूछा जाता है, मैं फटाफट से इसलिए कवर कर रही हूँ ताकि आपको रिविजन का समय ज्यादा से ज्यादा मिले, राइट। तो अब तक हमने क्या देखा, नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर के साथ आपने दो स्ट्रक्चर देख लिए, कौन कौन से, ICBN और ICZN। अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड होगा, ठीक है। मैं ये पेज नंबर साथ साथ इससे बता रहा हूँ ताकि जब आप इसको रिवाइज करोगे एक बार सारी चीजें आपको फटाफट से रिकॉल होती रहेंगी, ठीक है। अब देखिए, जो ICBN और ICZN के अलावा जो क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछे जाते हैं वो है पेज नंबर 7 पे, जब आप आएंगे तो साइंटिफिक नेम के बारे में बताया गया है ना। तो जब प्लांट और एनिमल के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो जो प्लांट्स के लिए जैसे हम बोटानिकल नेम बोल देते हैं, ठीक है, और एनिमल्स के लिए हम जनरली साइंटिफिक नेम ही बोलते हैं, तो वो चीज आप याद रखना कि किसके बारे में बात हो रही है, प्लांट्स की या एनिमल की। तो ये जो पूरा नॉमेनक्लेचर है वो दिया किसने था, साइंटिस्ट का नाम पूछ लेते हैं, तो वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्लस लिनियस। तो जो नॉमेनक्लेचर, जो फादर है बेसिकली टैक्सोनॉमी के, नॉमेनक्लेचर के, वो कौन है, वो कार्लस लिनियस है। तो आपको ये याद रखना है कि कार्लस लिनियस ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, सभी साइंटिफिक नेम्स के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एवरी साइंटिफिक नेम मस्ट हैव टू कॉम्पोनेंट्स। वो कौन कौन से कॉम्पोनेंट है, भाई कार्लस लिनियस ने क्या बताया था कि सभी साइंटिफिक नेम के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, उसको उन्होंने नाम दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, राइट। और उन्होंने ये बोला था कि जो दो कॉम्पोनेंट्स है, पहला कॉम्पोनेंट जीनस को और दूसरा कॉम्पोनेंट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट कॉम्पोनेंट जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ रहेगा, पहला क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम, ठीक है, क्या है, और वो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, आपने बता दिया कार्लस लिनियस ने। फिर आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, डायरेक्टली रॉन्ग भी लिख सकते थे लेकिन बच्चों को घुमाना भी तो है, तो वो क्या ऑप्शन देंगे, क्या क्वेश्चन देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स गिवन बाय कार्लस लिनियस, ऐसा आपको क्वेश्चन देंगे, है ना, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स,
ठीक है, तो चार रूल्स दिए गए थे, कार्लस लिनियस नहीं दिए थे, वो कौन से रूल्स थे? सबसे पहले फटाफट से देख लेते हैं। देखो, अगर हम किसी भी साइंटिफिक नेम को लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें चार रूल्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला रूल तो ये होता है कि जितने भी साइंटिफिक नेम है या बायोलॉजिकल नेम है वो कौन सी लैंग्वेज से लिए गए, वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए और उनको लिखा जाता है इटैलिक्स में। कौन से लैंग्वेज से लिए गए? लैटिन से, और लिखा जाता है इटैलिक्स में। दूसरा रूल कि जब भी किसी साइंटिफिक नेम के बारे में बात करोगे फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा जीनस होगा, फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा जीनस होगा और जो सेकंड कंपोनेंट है वो स्पीशीज होता है। फर्स्ट कंपोनेंट रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकंड रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। क्योंकि ये लिखा हो जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो स्पीशीज होता है, ये स्पेसिफिक एपिथेट क्या है भाई, उसी को ही स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड है वो क्या है कि किसी भी साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट लेटर है, किसी भी साइंटिफिक नेम में जो जीनस की मैं बात कर रही हूँ, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जबकि स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, है ना। एक एग्जांपल भी मैं यहाँ पर दूंगी। सबसे पहले फोर्थ रूल हम देख लेते हैं कि व्हेनेवर हैंड रिटन, जब भी हम उसको लिखेंगे तो प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन होना चाहिए सेपरेटली। जब भी हम किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो जीनस और स्पीशीज को क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम मेंजी फेरेंडिका का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मेंजी फेरेंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? वो है मैंगो का साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एम को मैंने कैपिटल बनाया है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, आई को मैंने स्मॉल बनाया और यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या तरीका है, ये जो कार्लस लिनियस ने बोला था उसी रूल्स के हिसाब से हम लिखते हैं। लेकिन अभी 2019 में ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राइट मेथड है, सही तरीका है जो साइंटिफिक नेम है वो लिखने के लिए। तो उसमें आपको क्या लिखना है, मेंजीफेरा इंडिका लिन, क्योंकि कार्लस लिनियस ने बताया था इसीलिए। और वहां पर ये अंडरलाइन नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि इटैलिक्स में लिखा हुआ है भाई, थोड़ा कर्व लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग हैंड रिटन करते हैं तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं। मैंने बोला ना व्हेनेवर हैंड रिटन दीज आर सेपरेटली अंडरलाइन। लेकिन जब कंप्यूटर वगैरह पे किसी डिवाइस पे आप देखोगे लिखे हुए साइंटिफिक नेम तो जरूर नहीं कि वो अंडरलाइन हो, लेकिन इटैलिक्स में जरूर होंगे। ठीक है, तो ये हमें याद करना है। इसी के साथ साथ तो जो रूल्स दिए थे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के वो हमने देखी है, है ना। अब इसी के साथ साथ मैं अगला टॉपिक आपको बता रही हूँ, एनसीईआरटी से इसलिए बोला जा रही हूँ क्योंकि आप एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ें। अगर आपने उसके लाइब्रेरी अच्छे से रिवाइज की है तो फिर आप जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप इजीली सभी को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी जो मैं डिटेल में बता रही हूँ चीजें वही सबसे ज्यादा एम्फसाइज आपको करनी है, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना आपको किसी भी चीज पर, राइट। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्लासिफिकेशन होगा, है ना। क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। अब आपसे पूछा जाता है किस बेसिस पर डिवाइड करोगे, या फिर जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मॉडर्न जो टैक्सोनॉमी, अब टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन को ही हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है या फिर जो टैक्सोनॉमी है उसके अंदर कुछ लेवल्स होते होंगे, उन लेवल्स को भी हम कुछ कहते हैं। वो जो लेवल्स है वो टैक्सा या टैक्सोन कहलाते हैं, एक लेवल को टैक्सोन कहते हैं और जब बहुत सारे लेवल्स की बात होती है यानी कि जो उसका प्लूरल है वो, ठीक है, टैक्सोन हो जाएगा। तो जब टैक्सोनॉमी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन भी करूंगी कि जो बेसिस है मॉडर्न टैक्सोनॉमी का वो क्या है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ किसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है, सेल। फिर उसके बाद डेवलपमेंट भी हम यहाँ पर देखेंगे, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को एंड इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये सब चीजें हमने क्या लिखी है, ये हमने लिखी है व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये हम क्या लिख रहे हैं, बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो फीचर्स है ये अलग अलग आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला हो गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर, फिर दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फिर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये सब फीचर्स किस चीज के लिए, दीज ऑल आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन हम सिस्टमैटिक्स के बारे में बात करेंगे। अब सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है, उसका मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को उनके जो आइडेंटिफिकेशन है, जो नॉमेनक्लेचर है और क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पर एक सिस्टमिक मैनर में अरेंज करना। सिस्टमैटिक्स यहाँ पर क्या है, आपको याद रखना है, सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इन चीजों के आधार पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना या फिर सिस्टमैटिकली अरेंज करना, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इस टॉपिक से जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो सिस्टमैटिक्स है वो इवोल्यूशनरी पर्पस के लिए भी बहुत जरूरी है। जो सिस्टमैटिक्स है वो इवोल्यूशनरी पर्पस के लिए भी बहुत जरूरी है, वो मैं लाइन आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है द सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो सिस्टमैटिक्स से जुड़ी हुई है वो क्या है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स या फिर बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। तो आपको याद रखना है कि सिस्टमैटिक्स ही जरूरी होती है किस चीज के लिए, किस चीज के लिए भाई, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो जो कार्लस लिनियस है उन्होंने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरा। तो आपसे बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है, सिस्टमा नेचुरा। तो ये जो वो बुक है बेसिकली इसी बुक के अंदर उन्होंने सिस्टमैटिक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी। तो उसमें साथ साथ उन्होंने जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया था। यही उनकी पहली बुक थी जिसमें उन्होंने नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो नोमेनक्लेचर तो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो जो सिस्टमैटिक है या जो सिस्टमा है इसका मतलब ही क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो सिस्टमा नेचुरा किसने लिखी थी, कार्लस लिनियस ने लिखी थी। देन टैक्सोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी को हम क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है। अभी जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, ये क्वेश्चन आया था 2013 में, पूछा गया था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की रिफर्स टू, क्या रिप्रेजेंट करती है वो। तो देखिए एक तरीका मैंने बताया था कि पॉटलीन और फैमिली गेट से, तो ये किंगडम है, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये सब क्या है, ये एक एक लेवल जो आपको नजर आ रहा है, एक हर एक लेवल को, हर एक स्टेप को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक जो लेवल है उसको हम टैक्सोन बोलते हैं। जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का हर एक स्टेप होगा, लेवल होगा, उसको टैक्सोन बोलेंगे। और इसका प्लूरल होता है टैक्सा, इसका प्लूरल होता है टैक्सा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि स्टेप वाइज लिखा हुआ है हर एक चीज। तो जो स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की और एनिमल्स की, हमेशा याद रखना ये वर्ड, स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। बेसिकली द स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ईच लेवल और ईच स्टेप इन द टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड टैक्सोन एंड इट्स प्लूरल इज टैक्सा। फिर पूछे गए व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप बताएंगे स्पीशीज क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। स्पीशीज क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है ना। फिर पूछेंगे कि अगर स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, जो सिमिलैरिटी है, वो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज होंगे, क्योंकि स्पीशीज का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। तो जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो उसका मतलब तो ये हुआ कि जो सिमिलर फीचर्स है, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो जब भी हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किस चीज में, डिक्रीज इन सिमिलैरिटी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिक्रीज इन सिमिलैरिटीज, जो सिमिलर फीचर्स है धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के लिए, टैक्सोन के लिए, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन भी दे दिया जाता है कि रीअरेंज करो, आपको आगे पीछे वो लिखे हुए देंगे तो आपको उनको सीक्वेंस में लगाना होता है, ठीक है। फिर अगर सब स्पीशीज पूछने लगे या फिर आपसे पूछेंगे सब फैमिली, वो किसके बीच में आती सब फैमिली, तो भैया यहाँ पर ही तो आएगी सब, मतलब फैमिली से नीचे, ठीक है, लेकिन जीनस के ऊपर या उससे बड़ा, तो यहाँ पर फैमिली और जीनस के बीच में आ जाएगी, है ना। आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आपको वो जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स आप याद करेंगे, जैसे कि साइंटिफिक नेम हो गया ह्यूमन का, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि वीट का बताइए, फिर हाउस फ्लाई का आपको एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है, अगर आप दो प्लांट्स और दो एनिमल्स के मैंगो वगैरह का याद करोगे तो पूरी क्लासिफिकेशन आपको याद करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसकी क्लासिफिकेशन में से पूछा गया था या फिर पूछा जाता है वो ऑर्डर हो जाता है, जैसे ह्यूमन का ऑर्डर आपसे पूछ लिया वो प्राइमेटा होगा, तो आपको ऐसे करके बताना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये जो पूरी हायरार्की है, जैसे स्पीशीज है, स्पीशीज को कैसे डिफाइन करेंगे और उसके एग्जांपल। स्पीशीज का मतलब है सभी ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि सबसे ज्यादा सिमिलर, जो सिमिलैरिटीज है या सिमिलर कैरेक्टर्स उनको पोजेस करेंगे और वो आपस में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो चलो ये तो तुम पढ़ लोगे,
अब मेरा भी तो कुछ फायदा होगा। अब मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रही हूँ जो सिर्फ मेडिकल के पर्पज से आपको जानना जरूरी है, राइट, जो कि मैं 11th स्टैंडर्ड की वीडियोस में जनरली डिस्कस नहीं करती हूँ ताकि उनका जो सिलेबस है वो लेंथी ना हो। तो क्या चीज है जो आपको जानने की जरूरत है, वो ये है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था अल्समेयर ने, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज जो है वो आपको याद रखना है, वो अल्समेयर ने दिया था। और वो है क्या, वो अल्समेयर जो उन्होंने कंसेप्ट दिया उसमें वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने ये बोला कि सभी स्पीशीज दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर होती है, क्यों, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। ये जो टर्म है ना रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ये उनका कैरेक्टरिस्टिक एक एजेंडा मान लीजिए, एक फिलोसफी मान लीजिए कि उन्होंने जो अपनी स्टडी की स्पीशीज को उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने क्या बोला, एक तो बायोलॉजिकल जो कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज है अल्समेयर ने दिया, उन्होंने बोला कि जो भी स्पीशीज है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, ठीक है, यानी कि सिर्फ अपने अपने ही टाइप के इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करेंगी या रिप्रोड्यूस करेंगी, दूसरों के साथ नहीं कर सकती, ठीक है। फिर ना जो साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि भैया फाइलम किसने दिया था, टर्म फाइलम किसने दी थी, ये क्यूबियर ने दी थी, है ना। फिर आपसे पूछ लेंगे कि आप ये बताइए कि स्पीशीज टर्म किसने दी थी, या फिर जो भी साइंटिस्ट के नाम है, एक साथ सारे साइंटिस्ट के नाम याद करना मुझे पता है इट्स नॉट पॉसिबल, बट मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी या फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी जिसमें जितनी भी जरूरी है, जितने भी साइंटिस्ट के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है उन सभी के बारे में मैं मेंशन करूंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज के बारे में। अभी जो स्पीशीज होती है वो भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, सिबलिंग स्पीशीज हो सकती है, कीस्टोन स्पीशीज हो सकती है ना। देखो की स्पीशीज या कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है, मेजर स्पीशीज होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं किसी भी इकोसिस्टम में कीस्टोन स्पीशीज कौन सी होगी, ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता, तो ग्रीन प्लांट्स होंगे, वे प्रोड्यूसर ही तो होते हैं। तो की स्पीशीज और कीटोन स्पीशीज जो मेजर इंपॉर्टेंस वाली स्पीशीज होती है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है भाई। अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर सिबलिंग स्पीशीज के बारे में बात कर रही थी। सिबलिंग का मतलब क्या है, मतलब समझो इसका मतलब है भाई बहन, ये तो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो स्पीशीज जो आइडेंटिकल है एक दूसरे से, बिल्कुल दिखने में एक जैसी, आप उन्हें देख के नहीं पहचान सकते कि यार ये दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं या दो स्पीशीज से, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगी, मतलब वो दोनों स्पीशीज दिखने में चाहे बिल्कुल 100% सेम हो लेकिन वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। तो सिबलिंग स्पीशीज कौन सी होगी भाई, मैं आप लिख रही हूँ मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल या फिर सिमिलर, ठीक है, बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है भाई। तो ये हमने किन किन चीजों के बारे में देखा है, ये हमने अलग अलग तरीके की स्पीशीज के बारे में देखा है। अब ये जो स्पीशीज है और भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भैया वो रह कहाँ रही है उसके बेसिस पर भी तो डिवाइड करोगे। मान लीजिए कोई भी दो स्पीशीज एक ही जगह पर रहती है तो वो सिंपैट्रिक स्पीशीज होती है, कोई भी दो बिल्कुल ही अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रहेंगे एलोपैट्रिक हो जाएंगी, है ना, या फिर कोई दो स्पीशीज जो एक ज्योग्राफिकल एरिया को शेयर कर रहे एक तरीके से वो पैरापैट्रिक होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के बारे में, उनके कंसेप्ट के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अदरवाइज बहुत ज्यादा लेंथी या बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें पढ़ने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो आपको वो अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, आपको उसको वो चीजें ना माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्पीशीज के बारे में हमने पढ़ा, अब उसके एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है वो कौन कौन से हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल दे रखा है ह्यूमन का या टाइगर का एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है, तो उसमें आप याद रखोगे जैसे ह्यूमन की मैं बात कर रही हूँ तो हमें पता है साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये क्या है, सेपियंस स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर मैं मैंगो की बात कर रही हूँ तो उसका मेंजिफेरा इंडिका हो गया, मेंजिफेरा इंडिका, तो इसमें जो इंडिका है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाइगर के बारे में बात कर रही हूँ, लायन के बारे में बात कर रही हूँ, पैंथर के बारे में बात कर रही हूँ, तो फिर उनका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, जैसे लायन हो गया तो पैंथरा लियो हो गया, टाइगर हो गया तो पैंथरा क्या हो गया टाइग्रिस, तो टी स्मॉल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है टाइग्रिस, ये रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। तो ये हमें पता है कि जितने भी साइंटिफिक नेम है भाई पैरा जीनस है दूसरा स्पीशीज है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं जीनस के बारे में तो कैसे पता चलेगा, तो जीनस को डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज,
वो सभी स्पीशीज जो आपस में रिलेटेड है उन्हीं के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हम जीनस बोलेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे लायन के बारे में बात कर रही हूँ, तो पैंथेरा लियो लायन का साइंटिफिक नेम है। ये जो टाइग्रेस और लियो यानी कि लायन है, ये दोनों काफी ऐसे फीचर्स को एग्जिबिट करते हैं जो कि सिमिलर है, इसीलिए हमने उनको सेम कैटेगरी में डाला है जीनस में। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना आसान रहेगा कि वो जो स्पीशीज है जो काफी ज्यादा सिमिलर है वो किस में आती है, एक ही कैटेगरी में आती है जिसको हम जीनस कहते हैं। ठीक है, बट आपसे कुछ नहीं पूछेंगे कि जीनस की डिफाइन बताओ, स्पीशीज की डिफाइन बताओ, ये जरूर पूछ सकते हैं कि बेसिक यूनिट क्या है, वो स्पीशीज है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिफाइन करने के लिए नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहेगा हमसे कि जो फैमिली है, कि जो फैमिली है वो कौन से दो कैटेगरीज के बीच में आती है, कौन से दो टैक्सोनॉमिकल लेवल्स के बीच में आती है। तो जैसे कि मुझे पता है कि पॉडक्लीन और फैमिली गेट्सिक, तो वो ऑर्डर और जीनस के बीच में आती है, ये आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको उसका आंसर लिखना है, करेक्ट। अब साथ ही साथ जीनस के एग्जांपल में आपको सोलेनम पोटैटो का भी साइंटिफिक नेम दे रखा है, सोलेनम ट्यूबरोसो। तो सोलेनम जीनस है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटैटो ही आता हो, है ना, बहुत सारे ऐसे और वेजिटेबल्स होंगे जो कि सोलेनम जीनस के अंदर आते होंगे, राइट। फिर ऐसी जीनस के बाद अगर मैं फैमिली के बारे में बात करूं, तो इसमें आप कैट का एग्जाम्पल ले सकते हो। जो लायन है, जो टाइगर है, जो पैंथर है, वो तो सब एक ही जीनस में आ रहे थे, वो था पैंथरा। ठीक है, बिल्ली के बारे में बात करोगे, जो कैट है उसका साइंटिफिक नेम फेलिस फेलिस होता है, तो जो एक जीनस हो गया फेलिस और एक जीनस हो गया पैंथरा, ये दोनों ही सेम फैमिली में डाले गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों जीनस के जो फीचर्स हैं वो बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा सिमिलर है ना। तो यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो, कौन सी फैमिली है वो फेलिडे, कौन सी फैमिली है फेलिडे। तो फेलिडे क्या है, एक फैमिली का एग्जाम्पल है जो कि आपकी बुक में गिवन है। तो किस बेसिस पर हमने किया, सिमिलैरिटी के बेसिस पर किया, है ना। तो क्या सिमिलैरिटी थी, अपीयरेंस दोनों की सेम है, ठीक है, सिर्फ वो जो बिल्ली है वो थोड़ी छोटी है, वो टाइगर जो है वो थोड़े बड़े हैं, जो लायन है वो थोड़े बड़े हैं, है ना। सिमिलरली आपको प्लांट का एग्जाम्पल इसमें दे रखा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो भी ऑर्डर में जब आप पढ़ोगे तो फ्लोरल कैरेक्टर्स की बेसिस पर, ठीक है। चलिए तो ऑर्डर पे आ जाते हैं फटाफट से। तो जैसे कि ऑर्डर आप ले लीजिए, अगर इसी की मैं बात कर लूँ, तो इनको हमने कौन से ऑर्डर में डाला है, कार्निवोरा में डाला है। कार्निवोर्स कौन होते हैं, कुत्ता बिल्ली सब कार्निवोर्स में आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि फ्लैश ईटर्स है। तो किस आधार पर कैटेगराइज किया जा रहा है वो याद रखना, तो क्योंकि डॉग और कैट ये सभी क्या होते हैं, फ्लैश ईटर्स होते हैं, तो इनको हमने कौन से ऑर्डर में डाल दिया, कार्निवोरा में, है ना। और क्योंकि ह्यूमन मंकी चिंपैंजी के बारे में बात करोगे सबके अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है, तो उनको प्राइमेटा में डाल दिया हमने, ठीक है। तो वो जो जिस फीचर के बेसिस पर क्लासिफाई किया वो आपको याद रखना है। जैसे इसमें फ्लैश ईटर्स होते हैं ह्यूमन मंकी चिंपैंजी में, मान लीजिए कि उसमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सेम होती है। फिर इसके बाद हम क्लास के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर हम क्लास मैमेलिया एग्जाम्पल ले सकते हो। तो जिन जिन के पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होंगे उनको क्लास मेमेलिया में डाल देंगे, सही है ना। तो क्या फीचर होगा, किसके आधार पर डाल मेमेलिया में, मेमोरी ग्लैंड्स के बेसिस पर, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पर फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो फाइलम है वो क्या है, ये थोड़ी सी हायर कैटेगरी है, इसमें वो सभी क्लासेस आएंगे जो एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर होगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर फाइलम की अगर मैं बात करती हूँ, तो वर्टिब्रेटा का आप एग्जांपल ले सकते हो। तो यहाँ पर वर्टिब्रेटा में कौन कौन आते हैं, मेमेलिया, एव्स, है ना, यानी कि बर्ड्स, देन पाइसेस यानी कि फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, बिकॉज दे पोजेस सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइक वर्टिब्रल कॉलम उनके पास प्रेजेंट है, इसलिए वो वर्टिब्रेटा में आ रहे हैं। देन अगर हम किंगडम के बारे में बात करेंगे, तो इन सभी के अंदर क्या क्या जो सिमिलैरिटीज है, फीचर्स, हालांकि वो कम फीचर्स होंगे बट स्टिल, तो उनका किंगडम कौन सा हो गया, एनिमिलिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको उनका बेसिस याद करना है। सो हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एज के बारे में। सो बेसिकली टैक्सोनॉमिकल एज की जब हम बात करते हैं, तो उसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या हो सकता है, सबसे पहली बार कि हम टैक्सोनॉमिकल एज का यूज क्यों करते हैं, किसी भी प्लांट या एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, तो फॉर दिस पर्पस या स्टडी पर्पस के लिए वी नीड टू क्लासीफाई एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली टैक्सोनॉमिकल एज से कुछ एग्जांपल आपके बुक में गिवन है, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आप हर्बेरियम के बारे में बात करेंगे, उसमें से जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, वो ये कि उसके जो हर्बेरियम शीट है उसका साइज कितना होता है। तो 41 इंटू बेसिकली अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो अलग होगा, है ना। तो 41 इंटू 29 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इंचेस में भी हो जाता है तो 16 1/2 इंच इंटू 11 1/2 इंच, ये उसका साइज होता है। तो हर्बेरियम शीट का साइज ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि हर्बेरियम शीट के ऊपर मेंशन होते हैं, या फिर वो पूछेंगे कौन सा फीचर हर्बेरियम शीट पर मेंशन नहीं होता है। तो जो मेंशन नहीं होता है वो लेंथ ऑफ द प्लांट, जो फीचर मेंशन नहीं होता है वो क्या है, लेंथ ऑफ द प्लांट। हमें पता है हर्बेरियम शीट पर हम डेड और ड्राई प्लांट को
प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो उसमें हम किस चीज को मेंशन नहीं करेंगे, प्लांट की या स्टेम की लेंथ को मेंशन नहीं करेंगे, उसका बोटानिकल नेम होगा या फिर जो उसका वंडर नेम कॉमन नेम होता है वो होगा, साथ साथ आप बताएंगे कि उसकी जो फीचर है, जो क्लासिफिकेशन है, फैमिली है वो क्या है, कलेक्टर का नाम होगा, ठीक है, और डेट ऑफ कलेक्शन भी होगी। लेकिन क्या चीज मेंशन नहीं होती उसमें, लेंथ ऑफ द प्लांट मेंशन नहीं होती, ठीक है। तो ये तो क्या हर्बेरियम। दूसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोटैनिकल गार्डन से होता है, तो पूछेंगे जो फेमस बोटैनिकल गार्डन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो क्यों इंग्लैंड इंग्लैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो पूछ लिया जाता है कि अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो हावड़ा में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और लखनऊ। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जो बोटैनिकल गार्डन है, जो नेशनल बोटैनिकल गार्डन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड होता है म्यूजियम। अब म्यूजियम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया जब भी एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, डेड ऑर्गेनिजम्स को, उनके स्पेसिमेन को रखा जाता है, तो कौन से केमिकल में, तो वो फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन होता है जिस केमिकल में एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, और इंसेक्ट में क्या करते हैं, पिनिंग करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जू, यानी कि जूलॉजिकल पार्क। तो जो जूलॉजिकल पार्क है वो किस तरीके का एग्जाम्पल है, वो एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। देखो एक्स सिटू का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर लेकर जाना, ताकि उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके, शेल्टर मिल सके और फूड मिल सके, ठीक है। तो जो जूलॉजिकल पार्क है वो एक्स सिटू का एक एग्जांपल होगा, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलिए कीस के बारे में बात करते हैं। तो कीस क्या है, इसका जो अगला एग्जाम्पल है, कीस बेसिकली ऐसे मोड है, ऐसे तरीके हैं जिसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं और अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो किस तरीके से करेंगे, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो कीस में दो टर्म्स है जो आपको याद रखते हैं, वो असम्पशन और रीजनिंग के बेसिस पर पूछ लिया जाता है। पहला है कपलेट और दूसरा है लेग, ये टी है, कपलेट और दूसरा है लेग। देखो अगर मुझे कभी भी किन्हीं ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट करना है तो मैं एटलीस्ट दो फीचर्स लूंगी। मान लीजिए पहला हो गया प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और दूसरा हो गया मॉइस्ट स्किन, ठीक है। अगर मैं इन दोनों फीचर्स के बेसिस पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पर डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो वो जो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने लिए हैं, उन दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर को मिलाकर हम कपलेट बोलते हैं। कपल मीन्स दो होता है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसके बेसिस पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को, तो उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम कहते हैं कपलेट, ठीक है। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट में से, दोनों फीचर्स में से किसी इंडिविजुअल लाइन या स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लेग। तो ईच स्टेटमेंट इन द की, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लेग, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि कैटलॉग हो गया। तो देखो फ्लोरा और फौना, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, फौना यानी कि एनिमल्स, हम उनके बारे में बात करें, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, राइट। तो जब भी मुझे टैक्सोनॉमी को स्टडी करना होता तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले आप आइडेंटिफाई करोगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एंड देन उसको क्लासिफाई करोगे, है ना। तो कैटलॉग क्या है, कैटलॉग होता है जितनी भी स्पीशीज होंगी, सारा जो डाटा होता है स्पीशीज का वो स्टोर होता है, वो भी अल्फाबेटिकली। स्पीशीज किस तरीके से अरेंज होगी, स्पीशीज आर अरेंज अल्फाबेटिकली, यानी कि आपको याद रखना है कि कैटलॉग एक इस तरीके का डाटा स्टोर किया जाता है कैटलॉग में, जिसमें सारी स्पीशीज को उनके अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज किया जाता है, राइट। अब जो ये कैटलॉग है, इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है, और वो एग्जांपल्स कौन से है, एक है मैनुअल और एक है मोनोग्राफ। तो मैनुअल और मोनोग्राफ के डायरेक्टली जो एनसीईआरटी की लाइंस है वो आपसे पूछी जाती है। तो लिखा हुआ है, अगर हम बात कर रहे हैं मैनुअल्स के बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे किसी भी जो स्पीशीज है उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, है ना। इट प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिफिकेशन या द नेम्स ऑफ द स्पीशीज जो कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में मिलेंगे। तो जब मैनुअल किसी भी स्पीशीज के जो आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है उसके बारे में बताते हैं, तो मोनोग्राफ का क्या काम होगा, वो किसी एक टैक्सा यानी कि किसी भी एक लेवल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ जो मोनोग्राफ्स हैं, मोनोग्राफ वो किस चीज के बारे में बताते हैं, वो किसी भी एक टैक्सा को क्लियरली डिस्कस करेंगे, टैक्सा के बारे में बताएंगे। और जो मैनुअल होते हैं, मैनुअल वो किस चीज के बारे में बताते हैं, इन बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज, नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द चैप्टर नंबर वन, इसके जो रिगार्डिंग नोट्स होंगे मैं आपको इश्यू करवाऊंगी। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 8, सेल, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर हम मतलब सेल्स के बारे में नहीं पता होगा, बेसिस के बारे में नहीं पता होगा,
तो आप किस तरीके से बायोलॉजी को स्टडी कर पाओगे, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है सेल, ठीक है। तो सेल है क्या, स्मॉलेस्ट बेसिकली यूनिट बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हो लाइफ की। जो चैप्टर का नाम है वो ऑलरेडी सजेस्ट करता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब कैसे, क्योंकि जब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले लेवल पर आने वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक सेल होता है। जब बहुत सारे सेल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं तब जाकर टिश्यूज की फॉर्मेशन होगी, फिर वो टिश्यूज ऑर्गन बनाएंगे एंड देन ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं समराइज कर रही हूँ उस चीज को ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सके पढ़े। तो जो सेल है ये भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो देखिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रही हूँ, या तो वो यूनिसेल्युलर होगा या फिर वो मल्टीसेल्युलर होगा। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, यूनि का मतलब वन हो गया, मल्टी का मतलब मैनी, ठीक है। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक ही सेल है, जिसके पास सिर्फ एक ही सेल, तो वो जो एक सेल है वो किस तरीके का सेल है, वो प्रोकैरियोटिक है या फिर वो यूकैरियोटिक है, हमें ये पता होना भी जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ मैं किसी भी एक सेल को, इंडिविजुअल सेल को दो टाइप्स में या दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। और वो दोनों कैटेगरीज है कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो पहले मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बता रही हूँ। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बेसिकली आपको याद रखना है, दे लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और अगर मैं इसके एग्जांपल के बारे में बात करूं तो किंगडम मोनेरा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो चलो न्यूक्लियस भी नहीं है, और दूसरी क्या चीज नहीं है इनके पास, इनके पास सेल ऑर्गेनली भी नहीं होते, सेल ऑर्गेनली भी एब्सेंट है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा ऑर्गेनली है जो इनके पास प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक्सेप्ट राइबोसोम, एक्सेप्ट राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है। तो बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक्सेप्शन ही पूछी जाती है बायोलॉजी में। तो एक क्वेश्चन अभी इसमें सबसे पहले मिल गया, क्या, राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसका एग्जांपल भी पूछ लेते तो हमें पता है जितने भी बैक्टीरिया है यानी कि मोनेरा वो किस में आता है, प्रोकैरियोट्स में आता है ना। अब यहाँ पर इनके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी डेवलप नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगी इनके पास, है ना। वैसे उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्रेजेंट है बट इतनी ज्यादा हाईली डेवलप नहीं होती जितनी जो भी यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर होती है। तो मैं इसको यहाँ पर हाईली डेवलप ना लिखूं या फिर मैं इसको मेंशन ना करूं ताकि आपको याद रहे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इनके पास है लेकिन सेल मेम्ब्रेन है लेकिन वो हाईली डेवलप नहीं, बस आपको ये याद रखना है। साथ ही साथ अगर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम बात करेंगे तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इनका जो डीएनए प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस के, भाई न्यूक्लियस इसके पास है ही नहीं। जनरली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है बट इनके पास तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो क्या होगा, सारे में क्या बिखरा हुआ होगा, स्कैटर्ड होगा, नहीं, स्टिल एक ऐसा रीजन होता है इनके साइटोप्लाज्म में, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है मेन एरिना, एरिना का मतलब एरिया, मेन एरिना ऑफ केमिकल रिएक्शंस या एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शंस या फिर एक्टिविटी, किसी भी सेल में होने वाले जितनी भी एक्टिविटीज है, रिएक्शंस है, उसका मेन एरिना कौन सा है, मेन एरिया कौन सा है, साइटोप्लाज्म। ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास नीट के लिए। अब हम बात करें कि ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस नहीं है तो पूरे में स्कैटर्ड है इनका जेनेटिक मटेरियल, एक ऐसा रीजन होता है जहां पर इकट्ठा होकर इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा और उस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियोइड रीजन। क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियोइड रीजन। तो आपसे पूछेंगे बैक्टीरिया में कौन सा रीजन है जहां पर उनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो आप बताएंगे न्यूक्लियोइड रीजन, करेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इनके पास जो सिंपल सा है डीएनए यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो न्यूक्लियर रीजन में प्रेजेंट है। अब ये डीएनए आगे चल के क्या करता है, एक रिएक्शन होता है, एक स्टेप होता है, प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, जो डीएनए है वो आरएनए में बदलेगा, फिर आगे चल के वो आरएनए ट्रांसलेशन करेगा यानी कि प्रोटीन में बदलेगा, ठीक है। जब इनके पास कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन है ही नहीं, नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन इसका मतलब है लेबर, जो डिवीजन है ना लेबर्स की, वो है ही नहीं, नो डिवीजन ऑफ लेबर इसको कहते हैं,
नो डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजें होनी है सब साइटोप्लाज्म में ही होनी है, ऐसा कुछ है ही नहीं अलग से कि यहाँ पर कुछ और ही चीज प्रेजेंट है जहां पर अलग तरीके से होगा, सब चीजें कहाँ होनी है, साइटोप्लाज्म में होनी है। तो क्योंकि जब इनके पास कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन है ही नहीं, तो जो डीएनए है वो आरएनए में भी बदलेगा और आरएनए प्रोटीन में भी बदलेगा, लेकिन कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, है ना। तो आपको याद रखना है कि इनके पास जो भी रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, तो जब इनके पास साइटोप्लाज्म के अंदर ही रिएक्शन होंगे तो कुछ एक एडिशनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है इनके पास प्रेजेंट हो, और इस एडिशनल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा, वो भी डबल स्ट्रैंडेड, डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड। आपको याद रखना है प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है एंटीबायोटिक से, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है भाई, इसका मेन फंक्शन है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, दवाइयों से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, है ना। तो क्योंकि मैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करूँ, तो उनके फीचर्स मैंने आपको बता दिए, एग्जाम्पल बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो वो कहाँ पर आता है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, ना ही इनके पास ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स वो नहीं है इनके पास, है ना। और उसका एक एक्सेप्शन है राइबोसोम, राइबोसोम के अलावा इनके पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होगा। मैं बैक्टीरिया को यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैंने सिर्फ आपको प्रोकैरियोटिक बताया। अब अगर मैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करूंगी, तो उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है और सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है, फटाफट से यूकैरियोटिक सेल को हम पढ़ रहे हैं। देखिए जो यूकैरियोटिक सेल है ना, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाला, इसमें प्लांट सेल भी आते हैं और एनिमल सेल भी आते हैं, प्लांट सेल भी आएगा और एनिमल सेल भी आएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले एनिमल सेल की बात करूं, तो देखिए समवट इन द सेंटर, कह सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट है ना, हार्ट ऑफ द सेल भी कह सकते हो, वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड फीचर होता है यूकैरियोटिक सेल का। इनके पास क्या है, दो मेम्ब्रेन्स है, तो हमने बोला जो न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियस है उसके बाद दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूएशन में होती है। तो एक ऑर्गेनेल हो गया न्यूक्लियस, एक हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो क्योंकि यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, इनके पास सेल ऑर्गेनेल वेल डेवलप्ड होते हैं, तो पहले न्यूक्लियस हो गया, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। बस यहीं से क्वेश्चन बन गया अगला, कि पूछा जाता है जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसका जो सरफेस है वो रफ होता है, वो रफ किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन था इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर तो कोई राइबोसोम ही नहीं है, तो ये बन गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन क्या है, लिपिड सिंथेसिस, इसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। न्यूक्लियस का काम क्या होगा, इसका काम है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को कैरी करना और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करवाना, राइट। साथ साथ आप देखोगे जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की ये फ्यूज होती है ना। अब ये जो फ्यूज होगी तो यहाँ पर कुछ छेद बनेगा यानी कि एक कोर बनेगा। अब ये जो कोर यहाँ पर बना है वो क्या काम करवा रहा है, तो छेद यहाँ पर बना है उसको न्यूक्लियर कोर कहते हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर कोर क्या करवाएगा, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं या जो आयंस होते हैं या जो आरएनए होगा उनकी सेल के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ मूवमेंट करवाता है। तो ये क्या है, इस स्ट्रक्चर को हमने बोला न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है इसका मेन फंक्शन क्या है, अलाउ द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन आरएनए एंड आयंस, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स आरएनए एंड आयंस। जनरली प्रोटीन आरएनए और आयंस की मूवमेंट न्यूक्लियर पोर के थ्रू होती है। जैसे सेल के अंदर जो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, स्पेस है, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, बिल्कुल वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो कैविटी है वो क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पर इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होता है कलेक्टिवली, है ना, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, इस रीजन को बोलेंगे न्यूक्लियोलस, हमने यहाँ पर लिख लिया न्यूक्लियोलस। और याद रखना नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, नॉट बाउंड बाय एनी
मेम्ब्रेन। ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा रीजन है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है, वो डेंस जहां डीएनए के साथ प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियोलस किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। और इसका फंक्शन क्या है, आरएनए की सिंथेसिस होती है यहाँ पर, यानी कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है यहाँ पर, ठीक है भाई। अब हमने देख लिया न्यूक्लियस के बारे में, पढ़ लिया न्यूक्लियोप्लाज्म, पढ़ा न्यूक्लियर कोर, पढ़ लिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर पैरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, पहली और दूसरी मेम्ब्रेन के बीच में, है ना, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं पैरी न्यूक्लियर स्पेस, पैरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। इसके थ्रू ही जो आयंस है वो भी मूवमेंट कर पाते हैं। अब साथ साथ अगले हम सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनाया है वो डायरेक्टली जाएगा गोल्जी, है ना, गोल्जी अपैरेटस के पास। अब जो गोल्जी अपैरेटस है इसमें पूछेंगे जो पैरेलल लाइन आपको नजर आ रही है इनको क्या कहा जाता है, इनको सिस्टर्ने कहा जाता है। पैरेलल लाइन को क्या कहा जाता है, सिस्टर्ने कहा जाता है। गैलीलियो गोल्जी वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, है ना। इसका वो फेस जो न्यूक्लियस की तरफ है उसको क्या कहते हैं, वो फेस जो न्यूक्लियस की तरफ है उसको क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड है उसको ट्रांस फेस कहते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस, ठीक है। अब इसी के साथ साथ इसके फंक्शन पूछते हैं, गोल्जी का स्पेसिफिक फंक्शन आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अगला फंक्शन क्या है इसका, अगला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, ये वेसिकल्स की भी फॉर्मेशन करता है। इसके बाद अगले फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी तभी होती है जब ये गोल्जी अपैरेटस अपना काम करना शुरू करता है, जो उसकी एक्टिविटी चल रही होती है ना पैकेजिंग की, मान लीजिए सिस से लेकर ट्रांस फेस की तरफ जो प्रोटीन पैकेजिंग हो रही है उसी समय लाइसोसोम की भी फॉर्मेशन होती है। और चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, उनका जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ग्लाइको प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, तो यहाँ पे मैं ग्लाइकोलिपिड्स लिख रही हूँ, ठीक है, जिनका यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो ये हमने गोल्जी के बारे में बात की है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि हम यहाँ पर गोल्जी के बारे में बात कर रहे हैं वो है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन, राइट। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स है और जो ग्लाइकोप्रोटीन है उनकी फॉर्मेशन भी गोल्जी अपैरेटस में ही होती है। इसका जो सिस फेज होता है, अभी मैंने बताया था ये कॉन्वेक्स होता है, सिस कॉन्वेक्स होगा और जो ट्रांस फेज होगा वो कॉनकेव होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है ना, या फिर पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जी, वो आपसे पूछ लेंगे। अब देखो जो लाइसोसोम की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, ये लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग होते हैं, क्यों, इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक, ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन, ये कौन सी पीएच पर जो एक्टिव होंगे, ये एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं, ये एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं, ठीक है। सुसाइडल बैग कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनके पास होते हैं और ये एसिडिक पीएच पर ही एक्टिव होंगे, राइट। तो ये हम फीचर्स किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, यूकैरियोटिक। जनरली हमें पता होगा कि यूकैरियोटिक सेल के अगर एग्जांपल की बात करें तो प्रोटिस्टा, ठीक है, मतलब मोनेरा को छोड़ के आप जितने भी चारों किंगडम्स बचे हुए उन चारों को आप यूकैरियोटिक सेल में, मतलब उन चारों के अंदर जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक सेल्स है। तो जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, फिर आपका प्लांट हो गया और एनिमेलिया, ये सभी किसके अंदर आते हैं, इनके अंदर जो सेल्स होंगे वो सब यूकैरियोटिक सेल होंगे, ठीक है। अभी मैं एनिमल सेल के बारे में आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो ये हमने बात कर ली गोल्जी के बारे में, लाइसोसोम के बारे में। अब हम राइबोसोम की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होगा वो 80S होगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होगा वो 80S होगा। ये दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर 70S होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S होता है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज पैलेट, तो जॉर्ज पैलेट ने 1953 में राइबोसोम्स को जो डिस्कवर किया था, इसीलिए राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है, पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया यूकैरियोट्स में 80S होगा, प्रोकैरियोट्स में 70S होगा, राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर जो एस है, एस का मतलब है सैंडबर्ग्स यूनिट, ये रिप्रेजेंट किसको करेगी, सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट को, डेंसिटी की बेसिस पर, ये रिप्रेजेंट किसको करती है, सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट को, डेंसिटी के बेसिस पर, राइट। तो हमने राइबोसोम्स के बारे में भी यहाँ पर बात कर ली है, गोल्जी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये हम एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एनिमल सेल का है, एक तो मैंने बताया कि यहाँ पर आपने देखा कि वैक्यूल तो प्रेजेंट है ही नहीं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट के अंदर होता है। दूसरा, एनिमल सेल के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है, वो सेंट्रियोल है, ठीक है, जो कि प्लांट्स में एब्सेंट होगी।
एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल है जो प्लांट में नहीं है, प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रली वैक्यूल जो कि एनिमल सेल्स में बहुत ही छोटा होगा या रिड्यूस्ड होगा, करेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल के बारे में, एक बार फटाफट से प्लांट सेल का स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ। तो मोर और लेस प्लांट और एनिमल सेल सेम होते हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस मैं यहाँ पर बताऊंगी, सबसे पहला तो डिफरेंस है वैक्यूल का, ये आपको बता रही हूँ। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो हम किसका पढ़ रहे हैं, वैक्यूल का, इट हैज अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, ठीक है। अब उसको जो न्यूक्लियस है थोड़ा सा साइड हो जाएगा, है ना। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने नहीं बताया, उसमें से क्या क्वेश्चन आते हैं, मैं प्लांट सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया को बता रही हूँ। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, अभी तक मैं दो ऐसे ऑर्गेनेल बता चुकी हूँ जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, एक न्यूक्लियस हो गया दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें हाईली कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड होती है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली कॉइल्ड होती है, और इन कॉइल को क्रिस्टे कहा जाता है। इन कॉइल्स को क्या कहा जाता है, जो फोल्ड्स है इनर फोल्डिंग्स को क्रिस्टे कहा जाता है, ठीक है। अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स होता है, ये होता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी जो एक्टिविटीज है केमिकल रिएक्शन है वो सब चलेगा, है ना। साथ साथ आप देखोगे ये क्या, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है भाई। और इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड है वो क्रिस्टे होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम याद रखना है आपको। साथ ही साथ इनके पास सर्टेन एंजाइम्स होंगे दोनों ही मेम्ब्रेन में, दोनों मेम्ब्रेन्स पे कुछ अपने अपने स्पेसिफिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, राइट। साथ ही साथ आप देखोगे इसके पास एक सिंगल डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिंगल डीएनए होगा, प्रोटीन्स होंगे, आरएनए होगा, और यहाँ पर 70S राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए है ना, तो वो खुद से आरएनए की भी फॉर्मेशन करेगी और प्रोटीन की भी, क्यों, क्योंकि सर्टेन एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, एंजाइम्स भी प्रेजेंट है इसके अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाने के लिए। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की, एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एरोबिक साइट, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होते हैं, है ना, और उनके अंदर एटीपी की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के रिस्पेक्ट में वो ये है कि इसमें जो मेम्ब्रेन्स होती है वो जो इसके अंदर लिक्विड है जो कंपोनेंट को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, ठीक है, जो दोनों मेम्ब्रेन है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं सेलुलर जो भी लिक्विड है जो फ्लूइड है उसके कंटेंट को, ठीक है। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, अब हम वैक्यूल के बारे में बात करेंगे। वैक्यूल प्लांट सेल की खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर होता है, इसकी इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। देखो सेल देख के हमें पता चल रहा है कि 90% ऑफ द वॉल्यूम, 90% ऑफ द वॉल्यूम इज कवर्ड बाय वैक्यूल, जो प्लांट सेल की 90% वॉल्यूम है वो किसने कवर कर ली, वैक्यूल ने कवर कर ली। तो सेल्यूलर एक्टिविटीज तो कहाँ चलेंगी, साइटोप्लाज्म में चलेंगी, तो उन एक्टिविटीज के रिजल्ट में जितना भी वेस्ट आएगा वो जाएगा कहाँ पर, वैक्यूल में ही तो जाएगा, ये तो स्टोरेज बॉडी है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही है ना, अक्रॉस द मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो मैं कह सकती हूँ कि टोनोप्लास्ट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं लोअर रीजन से हाई रीजन की तरफ जो मूवमेंट होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो टोनोप्लास्ट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होगा, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। तो ये हमने प्लांट सेल के बारे में बात की है, तो कुछ फीचर्स जो कि प्लांट सेल के होते हैं वो है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और जो तीसरा फीचर है एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, एनिमल सेल के, क्योंकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, उसमें सेल वॉल नहीं है, प्लांट उसमें मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, और वैक्यूल बिल्कुल रिड्यूस या काफी ज्यादा स्मॉल होता है, राइट। तो ये हमने फीचर्स पढ़ लिए हैं प्लांट सेल एनिमल सेल के, मतलब यूकैरियोटिक सेल के। तो कंपैरेटिवली अगर प्रोकैरियोट से मैं अगर उसको थोड़ा सा कंपेयर करूँ तो देखोगे जो यूकैरियोटिक सेल है वो थोड़े बड़े होते हैं, है ना, दिस आर कंपैरेटिवली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल आपने पढ़े थे यानी कि जो जैसे बैक्टीरिया का हमने एग्जांपल लिया था, तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको मीजोसोम कहा जाता है। तो उसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो मीजोसोम का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके फंक्शन क्या क्या है, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं,
है ना, एक तो ये डीएनए की रेप्लिकेशन में, डॉटर सेल की फॉर्मेशन में, रेस्पिरेशन में, या फिर जो एंजाइम्स हैं उन सबको कैरी करने में, हर चीज में काम करेगी, ठीक है। तो इनके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पर जो फंक्शंस हैं ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिए हैं, जस्ट टू सेव द टाइम, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, साथ साथ रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन प्रोसेस में, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाने के लिए, ये सारे फंक्शन प्रोकैरियोट में मिलने वाली जो स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन है मीजोसोम उसके होते हैं। प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, प्रोकैरियोट में मिलने वाली स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन मीजोसोम के अंदर होते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर प्रोकैरियोट के और भी जो बचे फीचर्स हैं मैं उसके बारे में बताऊं, तो जैसे राइबोसोम मैंने अभी बताया था कि 70S होता है ना, और उसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई मैसेंजर आरएनए है, एक मैसेंजर आरएनए पे अगर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, वन मैसेंजर आरएनए या फिर सिंगल मैसेंजर आरएनए बट मैनी राइबोसोम्स, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को पॉलीजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीजोम, मतलब क्या है, सिंगल मैसेंजर आरएनए एंड मैनी राइबोसोम्स, तो उसको पॉलीराइबोसोम भी कह सकते हैं या फिर पॉलीजोम भी कह सकते हैं, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखोगे इसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर इंक्लूजन बॉडीज होती है, वो क्या है, दीज आर द स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स, वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कि किस चीज में हेल्प करेंगे, मतलब जो स्टोरेज का काम होता है वो परफॉर्म करवाने के लिए वो हेल्प करते हैं, है ना। अब कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, मेन जो फीचर्स हैं इंक्लूजन बॉडीज के वो तीन है, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको बता रही हूँ। लाइक आप इसमें देख सकते हो लिखा हुआ है, दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, मेरे से राइबोसोम में भी किसी भी तरीके की कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है, वो भी बाउंड नहीं किसी भी चीज से, बिल्कुल वैसे जो इंक्लूजन बॉडीज होती है, दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, और साथ ही साथ ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तीन एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में गिवन है, एक है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, दूसरा फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है, और तीसरा साइनोफाइसिन, ग्लाइकोजन फॉस्फेट एंड साइनोफाइसिन, ये तीन ग्रेन्यूल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इंक्लूजन बॉडीज में, और उनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का, ठीक है। मैं मेंशन कर देती हूँ किस किस की हमने यहाँ पर बात की है, फॉस्फोरस ग्लाइकोजन एंड साइनोफाइसिन, ठीक है, कौन कौन से है, फॉस्फोरस ग्रेन्यूल्स या फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, उसके बाद ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, और ग्लाइकोजन के साथ साथ जो थर्ड होता है वो कौन सा होगा, उसको बोलते हैं साइनोफाइसिन, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्लाइकोजन एंड थर्ड वन इज साइनोफाइसिन, साइनोफाइसिन, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्रेन्यूल्स हैं जो कि इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, राइट। अब हम बात करेंगे इनकी जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसके बारे में, बेसिकली जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें क्या होगा, कौन कौन से ऑर्गेनलीज हैं जो कलेक्टिवली मिलकर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूम, ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी चीजें नहीं आती या आती है। तो ईआर, गॉल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूम चारों का फंक्शन एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड है, इसलिए इनको एक ही सिस्टम में डाला गया है, विच इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। अब जो यूकैरियोटिक यानी कि जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उन सेल्स के बारे में बात करेंगे, तो जो उनकी सेल वॉल है वो क्या है, ये लाइन याद रखनी है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, इनकी जो सेल वॉल है वो क्या है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एल्गी के अंदर और जो बाकी प्लांट्स है, क्योंकि प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है सेल वॉल, है ना, तो एल्गी के अंदर जो सेल वॉल है वो अलग ही सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है, वो जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्युलोज, गैलेक्टिन्स, मैनेंस एंड कुछ मिनरल्स होते हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, इनसे मिलकर बनी हुई है किसकी, एल्गी की सेल वॉल, है ना, साथ में प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। बट इसके साथ साथ जो बेसिकली वो यही है जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, जो प्रोटीन है सबसे ज्यादा मात्रा में वो प्रेजेंट होते हैं अदर प्लांट्स के अंदर, सेल्युलोज, हेमीसेल्युलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन करती है, जनरली सभी प्लांट्स की, एक्सेप्ट दी क्या, एल्गी, एल्गी को छोड़कर, राइट। अब यहाँ पर तो देखोगे जो सेल वॉल बनती है वो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए, और सेकेंडरी जब भी फॉर्म होती है तो वो टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द सेल, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आके बनेगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है ना, तो जो मेम्ब्रेन उसके अंदर की तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है विच इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल, राइट। अब यहाँ पर मिडल लैमेला होता है, मिडल लैमेला क्या है, बहुत सारे सेल्स के अंदर जैसे प्लांट सेल्स की मैं बात कर रही हूँ उनमें जो कनेक्शन का काम कर रहे हैं, ये मिडल लैमेला क्या स्ट्रक्चर है, जो कि नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे से ग्लू करके रखेगा, चिपका के रखेगा या होल्ड करके रखेगा, है ना। मिडल लैमेला का कंपोजिशन क्या है, कैल्शियम पैक्टेड एंड मैग्नीशियम पैक्टेड,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। साथ साथ प्लाज्मोडेस्माटा एक जंक्शन है जो कि प्लांट सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है और उसका मेन फंक्शन होता है टू कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। एक दूसरे के जो सेल्स है उनके साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम है। जो सेल वॉल का ओवरऑल फंक्शन हम पढ़ेंगे, ये शेप भी प्रोवाइड करवाती है सेल को, सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करवाएगी, ये प्रोवाइड करवाती है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको याद रखना है, जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है उनसे बैरियर प्रोवाइड करवाती है सेल सेल वॉल। साथ साथ ये प्रोटेक्ट करेगी मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से, राइट। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने यूकेरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की है या प्लांट से मिलने वाली सेल वॉल के बारे में बात की है, सिमिलरली प्रोकैरियोट्स के अंदर यानी कि किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर आप सेल एनवेलप देखोगे जो कि फर्दर डिवाइडेड है थ्री लेयर्स में, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स व्हिच इज फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब भी ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं तो जितने भी सेल्स होते हैं अगर वो लूज शेप के फॉर्म में यानी कि दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो उस लेयर को स्लाइम लेयर कहा जाता है, लेकिन अगर वो सारे सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, थिक और टफ लेयर की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको कैप्सूल कहते हैं, राइट। उसके बाद जो सेल वॉल है, सेल वॉल का जो मेन फंक्शन होता है वो सेल को शेप प्रोवाइड करवाना होता है, वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करे प्रोटेक्ट करेगा, है ना, सपोर्ट भी देगा, प्रिवेंट भी करेगा बैक्टीरिया को किस चीज से बर्स्ट होने से, फटने से, कोलैप्स होने से, ठीक है। तो ये सपोर्ट किस चीज को दे रहा है, पूरे सेल, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इनर लेयर जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल होती है, तो ये पूछते हैं कि कौन सी मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों है, क्योंकि वो सेलेक्टिव कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स को या मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने की या बाहर जाने की परमिशन देती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरियल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं ना, ये दो तरीके के हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव का मतलब क्या है, पहली बात तो ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेनिंग के ऊपर काम किया था कि क्या बैक्टीरिया किसी भी केमिकल को स्टेन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सम ऑफ दिस बैक्टीरिया कुड इजीली एब्जॉर्ब द स्टेन। तो वो बैक्टीरिया जो इजीली स्टेन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू, उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो नहीं एब्जॉर्ब कर पाते वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पर विजुअल डाई पर्पल डाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो जो बैक्टीरियल सेल है वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, और अगर वो मोटाइल है, अगर वो मूवमेंट शो कर रहे हैं तो क्योंकि उनके पास फ्लैजिला है, ऐसा इसलिए हो रहा है। फ्लैजिला की अगर बात करते हैं, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है सिंगल सेल है, तो उसके पास जो फ्लैजिला होगा इसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है हुक, देन फिलामेंट एंड देन बेसल बॉडी। हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी इज द पार्ट वेयर द फ्लैजिला इज अटैच्ड टू द बैक्टीरिया। बेसल बॉडी पर ये फ्लैजिला बैक्टीरिया की बॉडी से जुड़ा हुआ है। फिलामेंट इज द इलॉन्गेटेड पोर्शन, और जो हुक है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए मदद करेगा बैक्टीरिया की किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ, और इसका जो मेन फंक्शन है वो लोकोमोशन है यानी कि वो मूवमेंट है, ठीक है भाई। लेकिन बैक्टीरिया के पास और भी कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको पिलाए और फिम्ब्रे कहा जाता है। जो पिलाए है वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल एक्टिविटीज में, ठीक है। तो सेक्स पिलाए उसको कहा जाता है जो कि मेटिंग में हेल्प करेगा बैक्टीरिया को, और जो फिम्ब्रे है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम से, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब है कोई भी रॉक या कोई भी चट्टान पत्थर वगैरह, उससे अगर अटैचमेंट चाहिए होती है बैक्टीरिया को तो वो फिम्ब्रे का यूज करेगा। ये ब्रिसल लाइक होते हैं, लेकिन ना तो पिलाए और ना ही फिम्ब्रे लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला ही लोकोमोशन में हेल्प करता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। देन सेल थ्योरी, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, वो कौन कौन से है, शेल्डेन एंड स्ट्रॉन्ग। जो शेल्डेन है वो एक जर्मन बॉटनिस्ट है, वो प्लांट सेल के ऊपर अपने स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाला, एक कंक्लूजन निकाला कि भाई इनके पास क्या है, जैसे कि सेल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट होंगे या यूकैरियोटिक होंगे या वो कहाँ से आएंगे, है ना। बिल्कुल वैसे जब श्वान स्टडी कर रहे थे एनिमल सेल्स के ऊपर, क्योंकि वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, तो जब वो एनिमल सेल के ऊपर स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लेयर, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनके सराउंडिंग में, सेल्स के सराउंडिंग में, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, राइट। अब और कुछ नहीं मिला तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है नीट में, कि वो जर्मन से थे या फिर वो ब्रिटिश के थे, तो आपको ये भी याद रखना होगा इसके साथ साथ। और इन दोनों ही साइंटिस्ट ने मिलकर जो सेल थ्योरी दी थी उसके कुछ दो ही पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ से अराइज करते हैं, सेल्स, है ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स और उसके पार्ट से ही अराइज करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये आए कहाँ से है, देखो पहला पॉइंट ये कहता है ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स पार्ट्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स पार्ट्स,
दूसरा पॉइंट, वो सेल्स कहाँ से आते हैं? दी दे कर या दे कम फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से एग्जिस्ट कर रहे सेल्स से आते हैं, है ना। लेकिन ये जो थ्योरी है जो कि एक्चुअल में श्वान और शेल्डन ने दी थी, इसको मॉडिफाई कर दिया था एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो, ठीक है। और रुडोल्फ वर्चो ने टर्म दिया ओमनिस सेल्यूलर सेलुला, यानी कि पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल से ही न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है, राइट। ये 2019 में भी पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। और क्योंकि ये दोनों ही सेल्स और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रहे थे, तो जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो ये पूछते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है। तो आपको याद रखना है 52% प्रोटीन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और जो 40% है वो क्या होगा, 40% लिपिड होता है। तो ये कंपोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूकेरियोटिक सेल में। अगर आरबीसी का एग्जांपल है तो भी यही कंपोजिशन रहेगा, 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बहुत ही प्रिवेलिंग जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल हो जिससे हम अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी कर सके, वो कौन सा होगा? तो आप बताएंगे वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। वो कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है किसने दिया था? निकोलसन एंड सिंगर ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जाता है तो निकोलसन एंड सिंगर ने दिया था, SINGER, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। साथ ही साथ कई बार मेम्ब्रेन के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है? देखिए वो तीन तरीके से हो सकता है। एक होता है जब भी वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो ऑस्मोसिस कहलाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जब गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं, अगेन हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ, ठीक है। बट बेसिकली देखा जाए तो दो तरीके के ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है व्हेनेवर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जब भी लोअर रीजन से हायर रीजन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। लेकिन जो पैसिव होता है उसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूवमेंट होती है, उसमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, वो कंसंट्रेशन रेडियंट के हिसाब से ही मूवमेंट करेगा, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने दो चैप्टर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट किए, उसके सारे MCQs, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं अब आपको वो चीजें पता है। तो आपको घर बैठकर सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए।